हेलो दोस्तों, हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखते हैं तो हमें लगता है कि इन सेलिब्रिटीज की लाइफ कितनी लग्जरियस रहती है। मनमाना पैसा से लेकर फेम, उन्हें सब कुछ मिलता है। लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत फर्श से लेकर की, जो आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। अपने करियर की शुरुआत किसी ने कूली बनकर की तो किसी ने कंडक्टर बनकर करी। जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद भी इन सितारों ने हार नहीं मानी और अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए ये एक्टर आज हमारे चहेते बने हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में जानेंगे। अक्षय कुमार। बॉलीवुड की दुनिया के खिलाड़ी माने जाने वाले अक्षय कुमार की जिंदगी भी कम संघर्ष वाली नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती समय में एक होटल में वेटर के तौर पर की। होटल में नौकरी करने के दौरान उनको 1500 रुपए महीने का वेतन मिलता था। हालांकि वे अपनी इस नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई। सन 1992 में उन्होंने सोगन फिल्म में लीड रोल से अपने करियर की पूरी तरह शुरुआत करी और आज वे बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी के नाम से फेमस हैं। अक्षय कुमार आज 125 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। बोमन ईरानी। बोमन ईरानी जैसे बेहतरीन कलाकार को आज कौन नहीं जानता। थ्री इडियट और मुन्ना भाई MBBS में उन्होंने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ताज होटल में वेटर और रूम स्टाफ के तौर पर करी। इनकी माँ एक किराने की दुकान चलाती थी। मध्यम वर्गीय परिवार जैसे इनकी माँ का भी सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, लेकिन ऊपर वाले को इससे कुछ और ही ज्यादा मंजूर था। बोमन जी ने पहले कुछ विज्ञापन किए, फिर इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, जहाँ मैं हूँ ना, मुन्ना भाई MBBS, थ्री इडियट जैसी फिल्मों से इनको खूब पसंद किया जाने लगा। बोमन आज के समय में मशहूर अभिनेता तो है ही, साथ ही वे वॉइस आर्टिस्ट और फोटोग्राफर भी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडिया सिनेमा के जाने माने कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को गैंग्स ऑफ वसीपुर, मांझी, बजरंगी भाईजान जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। आज ये एक सफल एक्टर तो हैं ही, पर इस सफलता के पीछे का कड़वा सच काफी कम लोग ही जानते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने केमिस्ट की नौकरी करी, लेकिन वहाँ पर वे बेमन से ही काम करते थे। बचपन से ही उनको ड्रामा और स्टेज प्ले में इंटरेस्ट था। उन्होंने काफी जगह एक्टर के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन हर जगह उनको उनकी हाइट और कलर की वजह से मना कर दिया जाता था, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छा दिखने वाले लंबे चौड़े लोगों को ही चांस देती है। उन्होंने 1999 की फिल्म सरफरोश में एक छोटा सा रोल किया, जहां वे एक अपराधी बने थे। फिर कुछ छोटे मोटे रोल्स उनको मिलते रहे। फिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ब्लैक फ्राइडे मूवी से आया। यहाँ से उनकी जिंदगी बदल गई थी और फिर पीपली लाइव मूवी में पत्रकार के रोल के साथ नवाज मशहूर हुए और आज उनकी एक्टिंग की सराहना हर कोई करता है। पंकज त्रिपाठी। मिर्जापुर के कालीन भैया को कौन नहीं जानता। अमेजोन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर से पंकज त्रिपाठी जी ने काफी तारीफें बटोरी हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर का सुल्तान ने कालीन भैया तक पहुँचने में काफी संघर्ष किया है। उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी अपने एक इंटरव्यू में बताई थी कि उन्हें किस तरह एक्शन डायरेक्टर ने 4-5 टेक लेने के बाद गालियां देता था और वे किसी भी स्टूडियो में इंटरव्यू देने जाते थे तो बाहर से ही उन्हें मना कर दिया जाता था। इनका बचपन भी काफी संघर्षों वाला रहा। इन्होंने 10वीं तक तो ट्रेन और सिनेमा हॉल तक नहीं देखा था। इनके पिताजी का सपना था कि वे डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का टर अपने एक्टर में लगा लिया। उनका कहना था कि मैं मनोज वाजपेयी जी से काफी इंस्पायर हूँ, यदि वे एक्टर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अपने लगातार प्रयासों के चलते इनका पहला नाटक भीष्म साहनी की लीला नंद शाह की कहानी थी। उसमें उनका छोटा सा एक चोर का रोल था। यहाँ से उनको काफी लोगों ने पसंद किया और न्यूज़पेपर में भी उनके काम की सराहना हुई। सन 2004 से उन्होंने रन मूवी में डेब्यू किया और आज वे 40 फिल्में और 60 से भी ज्यादा टेलीविजन शोज कर चुके हैं। रजनीकांत। साउथ इंडियन फिल्म में एक्टिंग के इस महारथी को भगवान की तरह पूजा जाता है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी कहानी भी कुछ अलग ही है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली से कारपेंटर की नौकरी से करी। कभी कारपेंटर की नौकरी तो कभी कुली की नौकरी करी, फिर बाद में बस के एक टिकट कलेक्टर की भी नौकरी करी। TC की नौकरी करने के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिला, लेकिन फिर भी ये वो मुकाम नहीं था जहाँ रजनीकांत पहुँचना चाहते थे। कंडक्टर की नौकरी के साथ ही उनको एक्टिंग के क्षेत्र में भी इंटरेस्ट आया और उन्होंने अपनी इस रुचि को जारी रखा। वे अपनी एक्टिंग की कला को कंडक्टर के रूप में ही दिखाते रहे। जैसे
उनके टिकट काटने का तरीका, अपने अलग ही अंदाज में सीटी बजाना, ये सब चीजें यात्रियों को बेहद लुभाती थी। इस दौरान वे नाटक व स्टेज शो में भी भाग लेते रहे। मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिप्लोमा लिया और यहीं से उनको फिल्मी इंडस्ट्री में कदम रखने का पहला मौका भी मिला, जहां फिल्म निदेशक बालचंद्र की नजर उन पर पड़ी। वे उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रजनीकांत जी को एक फिल्म अपूर्व रंगलाला में एक्टिंग का मौका दिया। यहां से रजनीकांत जी ने अपनी एक्टिंग के जरिए काफी लोगों को अपना फैन बना लिया। आज वे 69 साल की उम्र में भी लगातार अभिनय कर रहे हैं। आज भी रजनीकांत जी की फिल्म बड़े पर्दे पर लगती है तो लोग थलेवा थलेवा कहकर चिल्लाते हैं, जिसका मतलब होता है कि बॉस। मनोज वाजपेयी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ही ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग की छाप दर्शकों के दिल पर ऐसी छोड़ते हैं कि कई महीनों तक वे किरदार लोगों के दिल में बसा हुआ ही रहता है। उनमें से ही एक नाम है मनोज वाजपेयी जी का। मनोज वाजपेयी जी ने स्टेज प्ले से टीवी और टीवी से फिल्मों तक का बड़ा लंबा सफर तय किया है। वे बिहार के चंपारण के छोटे से गांव में जन्मे हैं, जहां उनके पिता एक किसान थे। उनको कहीं आने जाने के लिए जो भी पैसे मिलते थे वे खुद ना खर्च कर अपनी बहन को दे दिया करते थे और खुद पैदल सफर किया करते थे। अपने संघर्ष के समय में एक बार तो वे सुसाइड तक करने का मन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों के समझाने पर वे थोड़ा मोटिवेट हुए और नुक्कड़ नाटक में एक्टिंग करते रहे। फिर उन्होंने एक मिनट की फिल्म द्रोहकाल से बतौर एक्टर डेब्यू किया, लेकिन 4 साल बाद उनकी एक फिल्म सत्य आई, जिसमें वे गैंगस्टर भीकू मात्रे के रोल में दिखे। यहां से अपनी कला से उन्होंने दिखा दिया था कि वे कितना दम रखते हैं। फिर वे सोनचिरिया, सत्यमेव जयते, बागी 2 जैसी फिल्मों से लोगों के चहेते बने। मनोज वाजपेयी जी हिंदी सिनेमा के साथ ही तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी सक्रिय हैं। अपनी फिल्मी करियर में वे अब तक 2 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। दोस्तों, हर कलाकार की अपनी एक कहानी होती है जो हमें सिखाती है कि नेवर गिव अप। अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करें, सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो का एक पार्ट 2 भी बनाऊं, तो ये भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यदि आप ये भी चाहते हैं कि मैं हर एक कलाकार की पूरी डिटेल में स्टोरी बनाऊं, तो ये भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।